गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के केस सेकंड को देखेंगे। केस सेकंड, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन ए रिजिड बॉडी। हमने अभी केस फर्स्ट देखा जिसमें लाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन ए रिजिड बॉडी का जिक्र किया। यहां पर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस मीन्स फोर्स पी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जबकि फोर्स क्यू की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। दैट्स व्हाई दीज टू फोर्सेस आर अनलाइक एंड पैरेलल, अनलाइक एंड पैरेलल फोर्सेस। एंड यू ऑलरेडी नो दैट फोर्स पी इज ग्रेटर देन फोर्स क्यू। सो एज शोन इन फिगर, क्या देख रहे हैं हम फिगर की तरफ देखने के पश्चात क्या नजर आ रहा है हमें? द टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन्स ए डी एंड बी के रिस्पेक्टिवली। अगर फोर्स पी के बारे में हम बात करते हैं तो ए डी, एंड फोर्स क्यू के बारे में अगर बात करते हैं तो बी के, ये हमें नजर आ रहा है। और सपोज पी इज ग्रेटर देन क्यू, क्योंकि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि पी ये बड़ा फोर्स है, ज्यादा फोर्स है कंपेरेटिवली क्यू। सॉरी, प्रोसीडिंग एज इन केस फर्स्ट, हमें केस फर्स्ट की तरह ही जाना है। द रिजल्टेंट फोर्स आर वन, ये देखो ये आर वन फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स आर वन एट ओ अलोंग द डायगोनल ए ई ऑफ द पैरेललोग्राम ए डी ई एफ, ए डी ई एफ मे बी रिसॉल्व इनटू कंपोनेंट्स पी अलोंग सी ओ, पी अलोंग सी ओ, बिकॉज फोर्स पी इज पैरेलल टू सी ओ। Which is parallel to the two unlike parallel forces, and T along a like parallel to, अगर T की बात करें तो equal and opposite direction। देखो यहां पर AF, which is parallel to two unlike parallel forces, and T along a line parallel to AF, अगर यही बात हम दूसरे पैरेललोग्राम के साथ करते हैं तो similarly the resultant force R2 at O, along the diagonal BH, this BH, diagonal BH may be resolved into components Q along OC. Q is parallel to OC. Q force. And T along line parallel to BG. This T force. Since the two equal and opposite forces T at O, here equal and opposite forces T balanced each other. हम तराजू में देखते हैं
यदि इक्वल वेट दोनों तरफ से आ जाता है तो तराजू जो है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहां पर है, टी फोर्स का काम जो है वो बैलेंस करने का। सिंस द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस टी एट ओ बैलेंस ईच अदर, देयरफॉर वी हैव द रिमेनिंग फोर्सेस पी पी along CO and Q along OC। इसकी डायरेक्शन Q की डायरेक्शन नीचे, and hence their resultant is P minus Q, but in case first the resultant of these two forces P and Q is P plus Q, because like forces are there instead of here P and Q are unlike forces and P is greater than force Q, that's why the resultant is P minus Q acting along CO, acting along CO, that is in the direction of the greater force P. Now, from similar triangles OCA, OCA and ADE, ADE, OCA and ADA, ADE, both are similar. We have OC, OC divided by CA, which is equal to AD divided by DE, but we know that AD is a force P and DE means our force T, because AF is T, hence DE is also T or P into CA बराबर T into OC, this equation number 1. Again from similar triangles OCB, OCB, OCB and BKH, BKH, हम अगर हमारे मोबाइल में इस ट्रायंगल को एनलार्ज करते हैं तो वो ऐसा ही नजर आएगा आपको, ओ सी बी के मापिक। सो बी के एच एंड ओ सी बी आर सिमिलर ट्रायंगल्स, हेंस वी हैव ओ सी अपॉन सी बी, ओ सी अपॉन सी बी विच इज इक्वल टू बी के, बिकॉज बी के एंड ओ सी पैरेलल अपॉन के एच, के एच, सो दैट इज इक्वल टू बी के मीन्स अवर फोर्स क्यू एंड के एच, के एच इज नथिंग बट बी एच, बी जी, के एच इज नथिंग बट बी जी, सो दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और Q into CB बरोबर T into OC। From equations 1 and 2, we can easily say that one side is equal, T into OC, T into OC. That's why P into CA, which is equal to Q into CB. This implies CA upon CB is equal to Q upon P. That means what?
दैट मीन्स सी डिवाइड्स द लाइन, सी डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ अप्लीकेशन ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्सटर्नली इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. नाउ वी सॉल्व सम एग्जांपल्स. नंबर वन, प्रूव दैट इफ थ्री लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बी इन इक्विलिब्रियम देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स वैरीज एज द डिस्टेंस बिटवीन द अदर टू. क्या यहां पर हमें दिया है तीन फोर्सेस है जो कि लाइक पैरेलल फोर्सेस है. लेट पी क्यू आर बी द थ्री लाइक पैरेलल फोर्सेस. इफ आर इज द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू, यू ऑलरेडी नो दिस, एक्टिंग एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए रिजिड बॉडी एंड इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर कट्स ए बी इन सी देन वी ऑलरेडी नो इन द केस फर्स्ट दैट इज लाइक पैरेलल फोर्सेस व्हाट सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी. सी द डायग्राम ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस जो कि ऑलरेडी हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए डायग्राम यहां पर मेंशन नहीं की है. दिस इंप्लाइज पी डिवाइडेड बाय सी बी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय सी ए, बट वी नो दैट व्हेन द रेशियोज आर इक्वल देन पी प्लस क्यू अपॉन सी ए प्लस सी बी वी कैन राइट डाउन न्यूमरेटर एडिंग एज वेल एज डिनोमिनेटर एडिंग. Addition of numerator as well as addition of denominator. And we also know that the value of R is equal to P plus Q and CA plus CB. When we see the diagram of like parallel forces, it is AB. This implies P upon CB is equal to Q upon CA is equal to R upon AB. Let P divided by CB is equal to Q divided by CA is equal to R divided by AB is equal to some constant KCA. So all these ratios are equal. That's why which gives P divided by CB is equal to K, P is equal to KCB. And this can be written as that is P is directly proportional to CB. Next, Q divided by CA is equal to K. Q is equal to K into CA. That is, Q is directly proportional to CA. And last, R divided by AB is equal to K. R is equal to K into AB. That is R proportional to AB. Thus the magnitude of each force varies as the distance between the other two. Similarly, instead of like parallel forces, if you take unlike parallel forces, because in a problem we prove three like or unlike parallel forces be in equilibrium, then the magnitude of each force varies as the distance between the other two. So, if the forces are unlike parallel forces, then we also know that P upon CB is equal to Q upon CA. But in unlike parallel forces, P is a bigger force than Q. That's why P माइनस क्यू अपॉन सी बी माइनस सी ए. और वैसा भी न्यूमरेटर को अगर सब्ट्रैक्ट हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर को भी सब्ट्रैक्ट हम लिख सकते हैं इफ द रेशियोज आर इक्वल.
That is equal to P minus Q is nothing but R. And CB minus CA is equal to AB if you see the diagram of unlike parallel forces. And which is equal to KCA. And exactly similar result of the above like parallel forces, which gives P proportional to CB means this, Q proportional to CA and R proportional to AB. That is, the magnitude of each forces varies as the distance between the other two in these unlike parallel.